स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विच इज कंसिडर्ड बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसको हम एस आर एस भी कहते हैं ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर्स द इक्वल चांसेस ऑफ सेलेक्शन एंड पार्ट ऑफ अदर रैंडम सैम्पलिंग एज वेल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए क्या प्री हैं आइए देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए जो पहला प्री है वो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए कि वो कौन सी है और उसका पॉपुलेशन साइज क्या है और उसके बाद वी यू हैव टू डेवलप द सैम्पलिंग फ्रेम अगर आपके पास रैलीडली अवेलेबल नहीं है सैम्पलिंग फ्रेम तो आपको फिर उसको डेवलप करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और इसके मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन तीन तरह के हैं लॉटरी मेथड, केथ मेथड और रेंडम डिजिट नंबर यानी अगर पॉपुलेशन साइज आपका छोटा है तो सैम्पल साइज़ छोटा होगा तो उसके लिए हम लॉटरी मेथड फॉलो करते हैं अगर आपका सैम्पल साइज़ रिलेटिवली बड़ा है पर मीडियम लेवल का है तो हम उसके लिए केथ नंबर मेथड फॉलो करते हैं और अगर आपका सैम्पल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पॉपुलेशन भी काफ़ी डिस्पर्स है उसके लिए हम रैंडम डिजिट नंबर प्रोड्यूस करते हैं अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं एज आई सेड अर्यर के लॉटरी मेथड में जो है वो टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और टारगेट पॉपुलेशन होमोजीनियस इन नेचर होती है यानी इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती ऑन द बेसिस ऑफ सोशो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स और ईच मेंबर ऑफ़ द पॉपुलेशन इज़ असाइंड अ नंबर आफ्टर विच नंबर्स आर सेलेक्टेड एट अ रैंडम यानी इसमें फॉर इंस्टेंस आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके टोटल 250 फिफ्टी हैं आपने 250 फिफ्टी में से 25 लोग सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे आप 250 फिफ्टी को एक नंबर असाइन कर देंगे उन नंबर असाइन करने के बाद आप उनका नाम किसी जगह यानी उन नंबर्स को किसी जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसमें से 25 रैंडमली जो है आप नंबर उठा लेंगे तो वो जो 25 लोग सेलेक्ट होंगे वो आपका सैम्पल साइज होंगे और ये इस मेथड को हम लॉटरी मेथड कहते हैं केथ नंबर मेथड इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स यूजिंग अ सैम्पल फ्रेम इसमें आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होता है और आपका और जो है सैम्पल साइज़ रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है बी थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड फ्राम लार्जर पॉपुलेशन इसमें हम क्या करते हैं हमें जब पता होता है कि हमारा सैम्पल साइज़ क्या है और हमारा पॉपुलेशन साइज क्या है तो हम उसकी बेसिस पे जो है हम एक रेगुलर इंटरवल का नंबर निकालते हैं फॉर इंस्टेंस अगर हम ये ज्यूम करें कि हमारा पॉपुलेशन साइज ट्वेंटी फोर है और हमारा सैम्पल साइज़ सिक्स है तो हमारा डिवाइड ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स हमारा जो केथ नंबर निकलेगा वो फोर होगा यानी एवरी फोर्थ पाप रिस्पॉन्डेंट और सैम्पलिंग एलिमेंट इन दैम्पल यानी आप वन वन सेलेक्ट करेंगे फिर फाइव सेलेक्ट करेंगे फिर आप जो है नाइन सेलेक्ट करेंगे फिर आप थर्टीन सेलेक्ट करेंगे ऐसे आप एवरी फोर्थ पर्सन जो है वो uh, जो है सेलेक्ट कर करेंगे लास्ट मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन है रेंडम डिजिट नंबर इट इज़ यूजड वन सैम्पल साइज़ इज सो हाई एंड टारगेटेड पॉपुलेशन इज़ लार्ज नोट डेज रेंडम डिजिट नंबर आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बाई यूजिंग प्रॉबेबिलिटी थ्योरी यानी एक्सेल में एस पी एस एस में और इवन अदर एप्लीकेशन में आप डाटा सेट दे देते हैं यानी yani वो पाँच लाख का या दस लाख का डाटा सेट है और आप उस उसको ये कमांड देते हैं कि हमें फ़ाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन टेन परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन जो है सैम्पल uh, जनरेट करके दें विद रैंडमाइजेशन तो वो आपको जनरेट कर देते हैं जैसे अक्सर आप देखते हैं कि कुरानंदाज़ी जब होती है आ, या प्राइस बॉन्ड्स के जो नंबर निकलते हैं या इसी तरह कोई हाउसिंग स्कीम में कोई बैलेटिंग हो रही है तो उसमें जो साइनिंग ऑफ द नंबर्स होती है वो ये कंप्यूटर के थ्रू ही होती है और उसमें रेंडम random, रैंडमाइजेसन की जाती है थ्रू प्रॉपबिलिटी थ्योरी सो इन दिस मैथड यू गेव कमांड टू ड्रा सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन टू द कंप्यूटर तो ये ये जो लास्ट मैथड है रैंडम डिजिट नंबर का इसके लिए आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है और जैसे वो आपको रैंडम डिजिट नंबर प्रोवाइड कर देता था, तो देन यू आर सपोज टू गेट द डाटा फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स और फ्रॉम दोज रिस्पोंडेंट्स तो ये हमने इस मॉड्यूल में, में देखा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है और उसके मेथड्स क्या हैं